आज हम लोग पढ़ेंगे आपका स्टैंडिंग वेव का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि इजी है और इम्पोर्टेंट भी है. रीड अबाउट ऑर्गन पाइप्स. ऑर्गन पाइप मतलब जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे फ्लूट हुआ, ट्रम्पेट हुआ, है ना, वो बिस्किट वाला पॉइंट पॉइंट करता है, वो सारा ऑर्गन पाइप में जाते हैं. अब इस कैप को, पेन का कैप को ऐसे पकड़ के ऐसे मारोगे तो सीटी बजता है. दैट विल बी एन ऑर्गन पाइप. ये ऑर्गन पाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसमें हमें देखना ये है कि हाउ और व्हाट प्रिंसिपल दिस ऑर्गन पाइप वर्क्स और हम लोग ऑर्गन पाइप क्यों यूज करते हैं. ये ऑर्गन पाइप दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. पहला हुआ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दूसरा हुआ ओपन ऑर्गन पाइप. क्या है ये? क्लोज ऑर्गन पाइप क्या कहते हैं? कोई एक पाइप अरेंजमेंट है जिसका एक एंड रिजिडली क्लोज्ड है. एक पाइप है, जैसे पेन का क्या है, इसे आप सीटी बजा सकते हो. जोर से हवा छोड़ोगे बजेगा, है ना. मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को सर्दी पड़ा है तो हवा के साथ दूसरा चीज नहीं कर सकते हैं. तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप हुआ. ओपन ऑर्गन पाइप क्या हुआ? वो दोनों तरफ से खुले हैं, ऊपर और आइदर साइड. ठीक है, दोनों तरफ से ऊपर है. जैसे आप कोई ट्रम्पेट बजाते हो, है ना, तो इधर से ब्लो की एयर निकला, इधर से निकल गया, पूरा रास्ता इधर उधर जाने के लिए है. दैट इज ओपन ऑर्गन पाइप, बोथ साइड ओपन. एक्सक्यूज मी, बोथ साइड ओपन ऑर्गन पाइप. और ये वन साइड क्लोज, और इसको हम कहेंगे वन साइड क्लोज. दोनों साइड क्लोज होने से बजाएंगे किधर से, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस? जब हम कोई एक साउंड वेव को इसके अंदर छोड़ेंगे, कंटिन्यूअसली अगर साउंड वेव को छोड़ेंगे, साउंड वेव अंदर तो जाएगा, इधर धक्का खा के फिर से वापस आएगा. नाउ यू गेट टू वेव्स, वन यू आर सेंडिंग, अदर इज रिटर्निंग. दे आर टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी प्रोपागेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दे विल क्रिएट ए स्टैंडिंग वेव हियर. व्हेन अ स्टैंडिंग वेव इज फॉर्मड, द इंटेंसिटी, द एम्पलीट्यूड बिकम्स 2a, है ना. और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. हम जिस एम्पलीट्यूड का वेव अंदर छोड़ रहे थे उसका इंटेंसिटी अगर आई है और एम्पलीट्यूड ए है, जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड 2a है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर 4a. मतलब बिना पाइप का आप जितनी जोर से आवाज निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप यू कैन क्रिएट 4 टाइम्स इंटेंस साउंड. ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं. अच्छा, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव इन द ऑर्गन पाइप? द टाइप ऑफ वेव इन एन ऑर्गन पाइप इज, बताओ, मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल है? कौन सा वेव है ऑर्गन पाइप में जो वेव बनना है, मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है? इज मैकेनिकल, क्योंकि साउंड वेव मीडियम चाहिए उसको. अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? साउंड वेव है तो लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल और प्रोग्रेसिव वेव है कि स्टेशनरी वेव है? यूसेज इज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव. तो आपका ऑर्गन पाइप में जो वेव बन रहा है, जैसे मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड स्टेशनरी वेव.
पर्पज क्या हुआ, टू मेक द साउंड 4 times लाउडर। आप सुने होंगे, अगर आपका मोबाइल में धीरे धीरे गाना बज रहा है तो वो गाना को आपको क्लैरिटी नहीं आ रहा है, आपकी एम्प्टी ग्लास के ऊपर उसको रख दो, ये साउंड लाउडर हो जाता है। कभी ट्राई किए कि नहीं किए? मान लो आपका मोबाइल में आप गाना सुन कुछ कोई बात कर रहा है और आवाज बहुत धीमा आ रहा है, आप मोबाइल को सीधा ऐसे करके हाथ को इधर से पकड़ लो, पकड़ लोगे देखोगे आवाज ज्यादा आ रहा है, बिकॉज दिस पार्ट विल बी बिहेवियर ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप ऑर्गन पाइप जैसे दिखेगा कोई जरूरी नहीं है। आपका जो तबला है, तबला इज ऑल्सो एन ऑर्गन पाइप, ठीक है? दूबी तबला बजाते हैं ना, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गन पाइप। आप एक तरफ से वाइब्रेशन क्रिएट करते हो और दैट इज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दूसरी तरफ धक्का खाता है साउंड में वापस आता है, यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ होता है, यहाँ पर मारते हो ड्रम बजाते हो, तो यू आर क्रिएटिंग वाइब्रेशंस इन साउंड, दैट साउंड वेव गोज, इट फ्लेट्स बैक एंड स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्मड। तो हम लोग इस ऑर्गन पाइप के बारे में आज सब कुछ देखेंगे, कैसे कैसे आवाज निकलता है। तो चलो आज हम डिटेल्स में देखेंगे, पहले अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में देखेंगे। पहला हुआ कि व्हेन यू सेंड ए साउंड वेव इनटू इट, व्हेन यू सेंड ए साउंड वेव इनटू इट, व्हाट यू फाइंड, द वेव गोज एंड रिफ्लेक्ट्स एंड कम्स बैक। अब देखो जो एयर पार्टिकल यहां पर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसको तो प्रेस नहीं कर सकते, दैट पार्टिकल कैन नॉट वाइब्रेट। और यहां पर जो पार्टिकल है एयर का वो बहुत जोर से वाइब्रेट कर सकता है, दैट मींस इसमें जब हम कोई स्टैंडिंग वेव बनाएंगे यहां पर तो नोड बनना तय है, बिकॉज द पार्टिकल हियर कैन नॉट वाइब्रेट, बट द पार्टिकल हियर कैन फ्रीली वाइब्रेट। यहां पर एंटी नोड बनना तय है, बीच में नोड एंटी नोड बनेंगे अलग बात है, लेकिन यहां पर एंटी नोड कंपल्सरी है, यहां पर नोड कंपल्सरी है। तो क्या लिखेंगे, द एयर पार्टिकल्स नियर क्लोज्ड एंड कैन नॉट वाइब्रेट फ्रीली, सो ए नोड इज फॉर्म्ड, ए नोड इज फॉर्म्ड एट द क्लोज्ड एंड। But particles at the open end can freely vibrate, therefore free end में कौन सा, open end में कौन सा चीज बनेगा, load बनेगा कि anti load बनेगा, चीज याद रखना है। बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा, बीच में और भी बन सकते हैं। जब हम स्टैंडिंग वेव बना रहे थे, दो वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे थे, नोड्स अपनी मर्जी से बन रहे थे, अपनी मर्जी से दोनों वेव मिलकर अपना नोड्स एंड एंटी नोड्स बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब मान लो कि कोई थ्रेड में ही आप बना रहे हो वेव, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, अगर थ्रेड का किसी एक पॉइंट को पकड़ लोगे तो वहां पर जबरदस्ती एक नोड बन जाएगा, क्योंकि वो हिल नहीं सकता। तो सिमिलरली दिस इज ए फोर्स्ड नोड, दिस इज ए फोर्स्ड एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड बनना तय है, नोड बनना तय है, बीच में नोड एंटी नोड और भी ढेर सारे बनेंगे। अच्छा, जब हम कोई एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, व्हाट इज इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप, इट मे बी ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एन ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज द फ्रीक्वेंसी द वेव
और फंडामेंटल वेव लिखेंगे, फंडामेंटल वेव ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज द वेव विथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इन द पाइप, स्टैंडिंग वेव इन पाइप, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वेव हुआ उसको आप कहेंगे फंडामेंटल वेव, उसका फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ को फंडामेंटल वेवलेंथ। When you are sending a sound wave, the velocity of sound frequency और wavelength के ऊपर depend नहीं करता, वो depend करता है ढेर सारी चीजों के ऊपर, हम लोग देखे थे medium के ऊपर depend करता है, मतलब velocity of sound is constant, if v is constant, आप ज्यादा frequency के wave बनाओगे तो small wavelength बनेगा, because v equal to lambda, small frequency के wave बनाओगे तो ज्यादा wavelength वाला बनेगा, समझ में आ रहा है क्या? So velocity of wave is fixed. तो क्या कहेंगे? Fundamental wave किसको कहेंगे? जिसका frequency सबसे कम है, smallest lowest frequency. और same चीज को हम दूसरे language में कहेंगे, fundamental wave of an organ pipe is the wave with highest wavelength that can form a standing wave. Highest wavelength वाला wave जो इसमें standing wave कर सकता है, उसको हम कहेंगे fundamental wave. चलिए अब थोड़ा सोचते हैं कि इसके अंदर जब स्टैंडिंग वेव बनेगा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा स्टैंडिंग वेव, थोड़ा इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं अभी इसके अंदर जब स्टैंडिंग वेव बनाऊंगा, एक चीज मुझे ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि यहां पर मुझे नोड बनाना है और यहां पर एंटी नोड बनाना है। सो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बहुत सारा वेव दिखाता हूं जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर रहे हैं, सपोज ये है पाइप, ठीक है, ये दूसरा पाइप ऑफ सेम लेंथ, ये तीसरा पाइप ऑफ सेम लेंथ, सोचो कि यहां से कोई वेव को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक वेव है, हाँ यहां पर एंटी नोड बन रहा है, यहां पर नोड बन रहा है, हाँ ये भी स्टैंडिंग वेव है। अच्छा इसको देखो तो हाँ ये भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर नोड बन रहा है और यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है, इसकी केस में देखो तो ऐसे करके हम ढेर सारे वेव बना सकते हैं जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना रहा है ना, जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बना रहा है, ऐसे ढेर सारे वेव हम बना सकते हैं। यू सी ऑल दीज वेव्स आर फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स, कीपिंग द कॉन्स्ट्रेंट इन माइंड that a node is formed here, antinode is formed here. ये सारा वेव इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, ये सारा वेव को अगर छोड़ेंगे, अगर हम a amplitude का वेव छोड़ेंगे बनेगा 2 amplitude का, i intensity का वेव छोड़ेंगे तो 4 i intensity का आपको मिलेगा, because intensity is proportional to square of the amplitude, you know, intensity is proportional to square of the amplitude. हम जो वेव छोड़ रहे हैं उसका अगर एम्पलीट्यूड a है, जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड 2a होगा, तो इंटेंसिटी होगा 4 टाइम्स, इसीलिए तो हम ये ऑर्गन पाइप यूज कर रहे हैं। अब ये सारा वेव को देखो, ऐसे ढेर सारे वेव बन सकते हैं, आप देख लो थाउजेंड्स ऑफ वेव्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस, बट कीपिंग इन माइंड दैट यहां पर नोड रखना है और यहां पर एंटी नोड रखना है। नाउ लेट अस गो बैक टू द डेफिनेशन, फंडामेंटल वेव ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज द वेव विथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वेवलेंथ, क्योंकि हम जानते हैं कि v इज कांस्टेंट, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द वेव, बट दैट मींस f इनटू लैम्डा इज ए कांस्टेंट, तो अलग-अलग जो वेव हम बना रहे हैं सबका फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है, वेवलेंथ अलग-अलग है, बट द प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट, जिसका फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। पहले आप देखो तो ये तीनों फिगर में आपको क्या लग रहा है, केस 1 केस 2 केस 3 में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, कौन सा वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ लग रहा है आपको, केस 2 का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, उससे थोड़ा सा कम केस 1 फिर केस 3, सो यू आर एबल टू सी दैट इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा है, लेकिन ये कोई फंडामेंटल वेव नहीं है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो वेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो वेव हम इसके अंदर रखेंगे उसको हम कहेंगे फंडामेंटल वेव।
सबसे ज्यादा विपरीत वाला, तो थोड़ा सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक पाइप है, इसके अंदर ढेर सारे विपरीत वाले वेव को हम रखेंगे, एक रखेंगे, हाँ सपोज ये एक वेव को रखेंगे और सपोज ये एक को रखेंगे और ऐसे करके ढेर सारे वेव को रखेंगे, तो सबसे बड़ा विपरीत वाला जो वेव को हम इसके अंदर रखेंगे उसका सबसे छोटा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा, है कि नहीं। मान लो ये अलग अलग वेवलेंथ का है, इसको रखेंगे तो वेव का काफी हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, इसको रखेंगे तो उसका छोटा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा, इसको रखेंगे तो और भी छोटा सा हिस्सा रहेगा। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ वेव किसको कहेंगे, जिसका सबसे छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आएगा। सबसे छोटा सा हिस्सा मतलब थोड़ा सोचते हैं कैसे करेंगे। सपोज हम कहेंगे ये हमारा वेव है, ठीक है, सबसे छोटा सा हिस्सा। आप जानते हो कि यहाँ पर नोड होने वाला है, यहाँ पर एंटी नोड होने वाला है, मतलब यही हिस्सा रहेगा, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव नहीं। इसका मतलब हमारा जो फंडामेंटल वेव है वो कैसे दिखने वाला है, वो कुछ ऐसे दिखने वाला है। देखो ये तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव हुआ, इससे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव को इसके अंदर रखेंगे तो नोड एंड एंटी नोड यहां पर फॉर्मेशन नहीं होने वाले हैं। फॉरगेटिंग, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव जो स्टैंडिंग वेव करवाएगा उसको हम फंडामेंटल वेव कहेंगे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो क्या पता चला, तो वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा इसके अंदर आएगा। सबसे छोटा सा हिस्सा मतलब यहाँ पर एंटी नोड रखना था, यहाँ पर नोड रखना था, ये वाला हिस्सा रखना है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर एकोमोडेट करवाना है। अच्छा तो ठीक है, चलो मानते हैं कि पाइप का लेंथ एल है, कुछ तो होगा लेंथ, सम लेंथ। पॉइंट नंबर थ्री, फॉर फंडामेंटल वेव, फंडामेंटल वेव क्या आप बता सकते हो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा जीरो? ये कितना हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है, यहां से यहां तक कितना होता है, लैम्डा बाय 4, है ना, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल आ गया, सो लैम्डा जीरो इज इक्वल टू 4l। सबको समझ में आ रहा है क्या? सो फॉर द फंडामेंटल वेव लैम्डा जीरो इज इक्वल टू 4l, एंड व्हाट अबाउट एफ जीरो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? आप जानते हो भी तो कॉन्स्टेंट है, इट मे बी 330 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, बहुत सारा फॉर्मूला उसका देखे थे, बट मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, भी तो कॉन्स्टेंट है, तो एफ जीरो क्या हो गया, भी बाय लैम्डा जीरो, दैट इज भी बाय 4l। सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ गिवन बाय भी बाय 4l। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मोटा आवाज कितना हो सकता है, भी बाय 4l, उससे मोटा आवाज हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? तो हम देखे सबसे मोटे आवाज की जो हम बनाएंगे वेव उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, भी बाय 4l, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या ये चीजें सबको समझ में आया? फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल वेव अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? आया कि नहीं आया रे सर? आया सर। चलिए अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि इस पाइप के अंदर ढेर सारे वेव स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं और सारे अपना इंटेंसिटी को 4 times कर लेंगे, उसमें से जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव था उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल वेव, उससे जो थोड़ा सा कम वेवलेंथ वाला होगा उसको सब कहेंगे फोटोन्स। तो फंडामेंटल वेव को छोड़ के बाकी सारा वेव जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकते हैं उनको हम कहेंगे फोटोन, समझ में आया? तो हम कहेंगे ऑल अदर वेव्स, ऑल अदर वेव्स और ऑल वेव्स अदर देन फंडामेंटल वेव, ऑल वेव्स अदर देन फंडामेंटल वेव दैट कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव इन द पाइप, स्टैंडिंग वेव इन द पाइप आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, ओवर टोन्स।
थे ओवरटोन्स, ठीक है, ये सारे तो हम कहेंगे ओवरटोन। तो हाउ मेनी ओवरटोन्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओवरटोन्स आर पॉसिबल, फंडामेंटल वेव एक है और बाकी सारे ओवरटोन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओवरटोन्स आर पॉसिबल। तो ठीक है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओवरटोन अवेलेबल है तो चलो दो चार ओवरटोन के बारे में देख लेंगे। यहां पर थोड़ा लिख देते हैं कि व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और हम लोग देख चुके हैं कि फंडामेंटल वेव क्या है, क्या है द वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव। सो हु आर द वेव्स हु कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव, दोज हु कैन कीप ए नोड एट द क्लोज्ड एंड एंड एंटी नोड एट द ओपन एंड कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्टैंडिंग वेव इन द पाइप। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे फर्स्ट ओवरटोन, दो चार ओवरटोन के बारे में देखेंगे, फिर जनरलाइज कर देंगे सारे ओवरटोन के बारे में फॉर्मूला। अब देखिए ये हमारा जो वेव है, ये वेव मान लो फंडामेंटल वेव है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है जो कि इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है, इससे ज्यादा वाला वेवलेंथ इसके अंदर स्टैंडिंग वेव नहीं कर सकता, क्योंकि नोड यहां पर रखेगा तो एंटी नोड यहां पर नहीं होगा, कहीं बाहर होगा, है ना, एंटी नोड को यहां पर होना था। तो सबसे छोटा सा हिस्सा इसका आया। फिर टॉक अबाउट फास्ट ओवरटोन, कौन सा वेव को फास्ट ओवरटोन कहेंगे, जिसका वेवलेंथ इससे थोड़ा सा छोटा है, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला हुआ, इससे थोड़ा सा छोटा वेवलेंथ वाला वेव जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है उसको कहेंगे फास्ट ओवरटोन। इससे थोड़ा सा छोटा वेवलेंथ वाला वेव मतलब यहां से यहां तक रहता है फंडामेंटल वेव का, फास्ट ओवरटोन का कहां तक रहेगा, यहां पर तो एंटी नोड रखना है, ओपन एंड में एंटी नोड रखना है, इसका मतलब यहां तक कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे हमें फास्ट ओवरटोन मिल रहा है। अरे बेटी, तो फास्ट ओवरटोन के केस में क्या होगा, दिस पार्ट इज टू बी अकोमोडेटेड हियर, समझ में आ रहा है। तो फास्ट ओवरटोन क्या हुआ, द वेव विथ वेवलेंथ स्लाइटली मोर देन, स्लाइटली मोर देन लैम्डा जीरो दैट केन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। तो थोड़ा सा छोटा वेवलेंथ वाला, स्लाइटली लेस देन, सॉरी स्लाइटली लेस देन, क्योंकि लैम्डा जीरो तो सबसे ज्यादा है, स्लाइटली लेस देन लैम्डा जीरो, लैम्डा जीरो क्या था, वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ दैट कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव। फर्स्ट ओवरटोन क्या हुआ, उससे थोड़ा सा कम वेवलेंथ वाला कौन सा वेव इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करता है। सेकंड ओवरटोन क्या होगा, जो फर्स्ट ओवरटोन से थोड़ा सा कम। थर्ड क्या होगा, जो सेकंड से थोड़ा सा कम। ऐसे करते करते आगे आगे चलेंगे। जब हम लैम्डा जीरो की बात कर रहे थे, वेवलेंथ सबसे ज्यादा था तो वेव का सबसे छोटा सा हिस्सा आता था पाइप के अंदर, अभी इसका वेवलेंथ उससे थोड़ा सा कम है मतलब थोड़ा सा बड़ा सा हिस्सा आएगा। आर यू गेटिंग, गेट ए बिट लार्जर, बड़ा सा हिस्सा आएगा मतलब कौन सा हिस्सा, नोड तो यहां पर है, ये वाला नोड तक नहीं रखेंगे, ये वाला नोड तक रखेंगे, तो इतना हिस्सा आएगा, तो ये हमारा फास्ट ओवरटोन कहलाएगा। मतलब ये फास्ट ओवरटोन दिखेगा कैसे, ये दिखेगा कुछ ऐसे, सपोज ये है तो आप कहोगे ये हुआ फास्ट ओवरटोन। नाउ इफ यू सी दिस फिगर यू मस्ट नो दैट दी ऑर्गन पाइप इज नाउ प्लेइंग द फर्स्ट ओवरटोन। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर नोड अब भी बरकरार है और यहाँ पर एंटी नोड बरकरार है, हाँ बीच में एक नोड बन गया, बात अलग। अच्छा, तो क्या बता सकते हो फास्ट ओवरटोन का वेवलेंथ लैम्डा वन, वेवलेंथ ऑफ फास्ट ओवरटोन क्या होगा। अब देखो तो ये पूरा लेंथ कितना होता है, यहां से यहां तक होता है लैम्डा, ये अगर फास्ट ओवरटोन वाला वेव है तो यहां से यहां तक होता है लैम्डा और ये होता है लैम्डा बाई फोर, ये माइनस कर दो बाकी लग गया कितना, थ्री लैम्डा बाई फोर, सो थ्री लैम्डा वन बाई फोर, थ्री लैम्डा वन बाई फोर हो गया इक्वल टू एल, तो लैम्डा वन क्या हो जाएगा फोर एल बाई थ्री। समझ में आ रहा है क्या, सो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फास्ट ओवरटोन प्लेइंग इन एन ऑर्गन पाइप,
4L/3। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फास्ट ओवरटर्न हो गया 4L/3, क्योंकि यहां से यहां तक का वेवलेंथ कितना है? λ/3, λ/4। अच्छा बताओ, फास्ट ओवरटर्न का वेवलेंथ ज्यादा है कि फंडामेंटल का वेवलेंथ ज्यादा है? फंडामेंटल का वेवलेंथ ज्यादा है। फास्ट ओवरटर्न का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फास्ट ओवरटर्न का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अच्छा, फास्ट ओवरटर्न का वेलोसिटी ज्यादा है कि फंडामेंटल का वेलोसिटी ज्यादा है? सेम है, दोनों ही केस में ये सेम है। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल फास्ट ओवरटर्न, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फास्ट ओवरटर्न क्या हो जाएगा? v/λ1। λ1 का वैल्यू डालो, इज कमिंग 3v/4l। देखो यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या था? v/4l, इसका हो गया 3v/4l, which is same as 3 times the fundamental frequency, जिसको हम लोग अदरवाइज लैंग्वेज में कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। द मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। 5 गुना है तो कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, 10 गुना है तो कहेंगे 10th हार्मोनिक, 2 गुना है तो कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, है ना? फंडामेंटल का कितना टाइम्स है? थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो यू मस्ट बी फील एक्वेंटेड विद दिस टाइप ऑफ टर्म्स, ओवरटोन, हार्मोनिक। क्या हार्मोनिक का मतलब समझ में आया? हार्मोनिक मतलब इट इज, थर्ड हार्मोनिक मतलब दिस इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ही अगर आपको सचमुच समझ में आ गया है, तो क्या थोड़ा सा कोशिश करके आप मेरे लिए सेकेंड ओवरटोन बना दोगे? सोचो, तो अगर आप सेकेंड ओवरटोन बना दिए तो आपको पूरा समझ में आ गया है। सेकेंड ओवरटोन बनाना है, मैं जबरदस्ती बना रहा हूं खाली देखने के लिए कि आपको समझ में आएगा नहीं, नहीं तो आगे बनाने की जरूरत नहीं था। फॉर सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द वेव विथ वेवलेंथ slightly less than lambda 1, slightly less than lambda 1, that can form a standing wave is called second overtone. क्या कहेंगे? The wave with wavelength slightly less than λ1, that can form a standing wave in the pipe is called second overtone. Second overtone, हाँ, तो सोचिए थोड़ा, ये हमारा wave था, ऐसा ऐसा करके वेव जा रहा है। चलो हम सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। इसको किसी एक ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव करवाना है, तो मान लो कि यहां पर क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड यहां पर रहा, जब इतना दूर तक रहता था वो बन जाता था कौन सा वेव? फंडामेंटल, क्योंकि यहां पर एंटीनोड बनता था, इतना तक रह जाता था तो बनता था फास्ट ओवरटोन। अभी हमें सेकेंड ओवरटोन बनाना है, कहां तक रखेंगे? ई एफ जी, कहां तक रखेंगे इसको, ताकि यहां पे नोड रहेगा, यहां पे एंटी नोड रहेगा ओपन एंड में, कहां तक रखेंगे? एफ, देखो एफ तक रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका यहां तक का वेव, तो ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। नोट दी फिगर, फंडामेंटल वाले में कोई लूप नहीं था, यहां पर एक लूप हुआ, इसमें दो लूप हुआ। इसका मतलब द सेकंड वे सेकंड ओवरटोन प्लेइंग इन ए ऑर्गन पाइप विल बी डिपिक्टेड बाय ये फिगर लाइक दिस, ऐसा करके जा रहा। अगर लेंथ है इसका एल और लैम्डा 2 है वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ओवरटोन, तो क्या आप मुझे फास्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन का वेवलेंथ और एल के बीच में रिलेशन बता सकते हो? थोड़ा ध्यान से देखो, तो
यहां से यहां तक का लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना होगा? यहां से यहां तक हो गया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा, और ये लैम्डा बाय 4, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 लैम्डा बाय 4। समझ में आया? 5 लैम्डा बाय 4। अच्छा, तो फिर हम क्या कहेंगे, 5 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू l, सो लैम्डा 2 विल बी 5 लैम्डा, नहीं लैम्डा 2, क्योंकि हम सेकंड ओवरटोन की लिख रहे हैं, सेकंड ओवरटोन की लिख रहे हैं, 5 लैम्डा 2 बाय 4 दैट इज इक्वल टू l, तो लैम्डा 2 क्या हो गया 4l बाय 5। करेस्पोंडिंग f2 क्या होगा, v बाय लैम्डा 2, v तो कांस्टेंट है, सो इट इज 5v बाय 4l, 5v बाय 4l, और इसमें क्या आ रहा है बताओ, ये कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी v बाय 4l का वैल्यू क्या था, इट वाज f0, सो इट इज 5f0, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 4l था, f0 था, सो ये हो गया 5f0। इसको क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक, क्या लिखेंगे इसको, दिस इज सेम एज फिफ्थ हार्मोनिक, तो हम क्या कहेंगे, सेकंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक। अच्छा, तो अगर ऐसे कोई हमें टेंथ ओवरटोन पूछ लिया तो ऐसे करते जाएंगे क्या, अरे नहीं, लेट अस फाइंड आउट ए जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर एंथ ओवरटोन। एंथ ओवरटोन के लिए अगर देखेंगे, सोचो फॉर ये सेकंड ओवरटोन था, पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे एंथ ओवरटोन, थोड़ा ध्यान से देखो इसमें क्या था, जब हम फर्स्ट ओवरटोन कर रहे थे इट वाज 3f0, सेकंड ओवरटोन कर रहे थे 5f0, तो फॉर एंथ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2n plus 1 into f0, है कि नहीं, एक बार फ्रीक्वेंसी मिल गया, वेवलेंथ ऑफ दी एंथ ओवरटोन क्या हो जाएगा, इट वाज v by fn, और जबकि f0 का वैल्यू हमें मालूम है v by 4l था, तो वैल्यू डाला जाए क्या आ रहा है, इट इज 2n plus 1 by v into ऊपर रहेगा 4l, f0 की जगह v by 4l लिख दिए, समझ में आ रहा है क्या, और v कहां से आएगा, अरे v कहां से आएगा, ये v कट जाएगा, v इसके साथ कट जाएगा, 4l by 12, yes, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, v by v 4l by 12, v by fn, fn का वैल्यू क्या था, ये 2n plus 1, f0 की जगह v by 4l, थोड़ा सिंपलीफाई करो तो ये आ जाएगा 4l by 2n plus 1। अगर ये फंडामेंटल वेव के लिए निकालते n का वैल्यू 0 लेते, नहीं फंडामेंटल के लिए n का वैल्यू 0 ले लेते, लैम्डा हो जाता कितना, फंडामेंटल मतलब पहला वाला, फर्स्ट ओवरटोन के लिए n का वैल्यू 1 है, नहीं फंडामेंटल के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 0, 0 डाल देंगे तो हो जाएगा लैम्डा n = 4l, फार्मूला आ रहा है हमारा, समझ में आ रहा है। कोई अगर पूछेगा सेवेंथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 15f0, वेवलेंथ क्या होगा 4l by 15, समझ में आया क्या, तो कोई भी ओवरटोन के हम निकाल सकते हैं। तो इसमें से हमें क्या चीज समझ में आया, हम देख रहे हैं कि इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था वो f0 था, नेक्स्ट ओवरटोन क्या था 3f0, उसके नेक्स्ट 5f0, 7f0, that means only odd harmonics are present, 2f0, 4f0, 6f0 sounds are not being generated here, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे only odd harmonics, ये बहुत ही एक important clue है numerical करने के लिए, only odd harmonics are playing in a closed organ pipe, so the instrument is not musical, it is not musical।
बताएंगे नॉट म्यूजिकल का मतलब क्या है। लेकिन पहले देख लो, इतना सारा चीज देख के आपको डरना नहीं है। आपको कहां पर रुक जाना है? फॉर मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस आपको फंडामेंटल के पास रुक जाना है, ओवरटोन के बारे में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया V/4L, जानते हो काफी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप इज 200 हर्ट्ज, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाएगा। हेनरी सेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप मींस इट्स टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लीक। हम आगे की क्यों निकाले? अब कुछ लोगों को रहता है पूछने का, इधर उधर का आदत नहीं, तो जी वगैरह में भी कभी कभार हायर लेवल एंट्रेंसेस में पूछ लेते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखना पड़ा क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में? क्लोज ऑर्गन पाइप में नोड कहां पर होता है? क्लोज एंड में, एंटी नोड ओपन एंड में। अच्छा, फंडामेंटल वेव किसको कहते हैं? द वेव ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ दैट कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव इन इट। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? V/4L, है ना। फंडामेंटल वेवलेंथ 4 × L एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्लेइंग इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप। क्योंकि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बज रहे हैं उसमें अगर कोई एक ऑर्गन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज तो आप उसमें 200 हर्ट्ज का साउंड नहीं निकाल सकते, 300 का निकाल सकते हो, 400 का नहीं निकाल सकते, बीच का नहीं निकाल सकते, 500 का निकाल सकते हो। रिगेटिंग एंड क्योंकि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए क्लोज ऑर्गन पाइप द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इज नॉट म्यूजिकल। व्हाई द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट म्यूजिकल? बिकॉज ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये म्यूजिकल वाला वर्ड को मैं बता रहा हूं आपको, जब भी हम कोई साउंड बनाते हैं वो साउंड का फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा तो वो सुनने में मजा नहीं आता है। जैसे मान लो कि कोई आप बाथरूम सिंगर हो, आप गाना गा रहे हो, कोई अच्छा वॉइस में कोई अच्छा सिंगर का गाना गा रहे हो, जोर से आ करके खींचे, लेकिन जब बहुत ज्यादा खींचते हैं तो कैसे ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द साउंड यू आर क्रिएटिंग अर्लियर एंड देन। बहुत जोर से करने से फट गया, हम कहते हैं कि आवाज फट गया, आवाज फट गया मतलब सडनली यू आर जंपिंग ओवर ए लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, तो मजा नहीं आता है। जिसका नहीं फटता है वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को कम करके खींच लेता है या ज्यादा करके खींच लेता है। रिगेटिंग, क्या चीजें समझ में आ रहा है म्यूजिकल का मतलब? अब दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। सपोज कोई एक लड़का जो कि बहुत मोटा आवाज में आपका स्कूल असेंबली में प्रेयर करता है और बड़ा सुंदर प्रेयर करता है, और एक लड़की है जो इसका आवाज बहुत पतला है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है, और वो भी प्रेयर करती है तो बहुत अच्छा करता है। लेकिन मान लो दोनों एक मोटा आवाज में जाना गाना माना आदि कर रहा होगा और दूसरा जाना गाना माना, दोनों को एक साथ सुनने में मजा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यू आर गेटिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपका ईयर ड्रम क्या है? वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका आसपास का फ्रीक्वेंसी को एक साथ पकड़ सकता है। दो तो टोटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को लेके वाइब्रेट करना उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ईयर ड्रम में, तो वो दोनों को सुन के मजा नहीं आता उसको। कोई एक बहुत मोटा आवाज में गाना गा रहा होगा, बाकी सब नॉर्मल आवाज में गा रहे होंगे, तो डिफरेंट लगता ही नहीं लगता। इट डजंट अपीयर म्यूजिकल। नॉट अपीयरिंग म्यूजिकल का मतलब इसमें जो साउंड्स निकलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी आसपास नहीं होते, दूर दूर होते। एक 100 हर्ट्ज का हुआ, एक 300 का, एक 500 का, एक 700 का। अगर 200-400 भी होते तो शायद अच्छा लगता। जब आप हारमोनियम बजा रहे हो, इधर वाला रीड जो कि सबसे मोटा बजता है और लास्ट वाला रीड जो सबसे पतला बजता है, दोनों के लेके प्ले कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि देयर बी लार्ज डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज, तो दैट विल नॉट बी अपीयरिंग म्यूजिकल। जब भी बजाते हैं आसपास की रीड्स को लेके वो बजाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है तो सुनने में मजा आता है। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया कि द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट म्यूजिकल का मतलब क्या है। समझ में आया? Why? Because only all harmonics are present between two consecutive sounds, you will see there is a large frequency difference. So this is all about your closed organ pipe. अब इसी language में इसी तरह से हम लोग open organ pipe को भी deal करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे everything about open organ pipe. Open organ pipe मतलब दोनों तरफ open है, दोनों तरफ ओपन है। ऐसा ऑर्गन पाइप में जब हम कोई स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो आप जानते हो कि ओपन एंड में तो एंटी नोड्स बनता है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ एंटी नोड रहेंगे। अब दो एंटी नोड रहेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं एक नोड रहेगा ऑब्वियसली। तो फिर कैसे होगा उसके सारे केसेस? ओपन ऑर्गन पाइप,
अच्छा कोई क्लोज ऑर्गन पाइप का एग्जांपल बताओ, क्लोज ऑर्गन पाइप का एग्जांपल बताओ जहां पर एक तरफ से बंद है। हाँ इसको तो बजाते हो लेकिन इसको ऑर्गन पाइप थोड़ी हम लोग यूज करते हैं, बांसुरी बजाते हो। हैव यू हर्ड बांसुरी? थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जब आप बांसुरी बजाते हो जो लोग बजाते हैं उनको मालूम होगा कि इधर से एक तरफ से बंद रहता है वो और यहाँ पर ढेर सारे होल्स रहते हैं, ठीक है, ऐसे होल्स रहते हैं और वो क्या करता है इसके अंदर फूंक मारता है और हवा उसमें वो क्रिएट करता है। म्यूजिक करते वक्त क्या करता है वो, ये सब होल के ऊपर उंगली फिराते रहता है कि नहीं। अब कोई साउंड वेव गया रिफ्लेक्ट करके आया, यहां पर तो लोड बनेगा ही बनेगा, नो सेकंड चॉइस। अभी सोचो वो क्या किया, ये जो चार होल है ये चारों को बंद कर दिया, he closed by his fingers, इसको खुला रखा, तो यहां पर जो पार्टिकल है वो बहुत फ्रीली वाइब्रेट करेगा, यहां पर बनेगा एंटी नोड, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप क्या हो गया L, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप क्या हो गया L, अब फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा V by 4L, समझ में आया क्या? मान लो कि ये होल्स को बंद कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया, दिस इज लेफ्ट ओपन, अब एंटी नोड बनेगा यहाँ पे, मतलब लेंथ ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब इसको बजाते बजाते अगर ये चार होल को बंद करता है इसको खुला छोड़ता है फ्रीक्वेंसी आएगा V by C 4L 1, अगर ये चार को बंद करता है और इसको खुला छोड़ता है जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा F2 V by 4L 2। मतलब देखो तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कि घट गया, अगर ये चार को बंद कर दिया इसको खुला छोड़ दिया तो एंटी नोड यहां पर फॉर्मेशन होगा, यहां का एयर फ्रीली वाइब्रेट कर सकता है, ओपन है, ठीक है, तो लेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घट गया। मान लो बांसुरी बजाते बजाते किसी डुएट सॉन्ग को साथ दे रहा है जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर दोनों गाना गा रहे हैं, जब लता मंगेशकर गाना गा रहे हैं मतलब वो बांसुरी बजाते हैं इंस्ट्रूमेंटल, लता मंगेशकर के लिए बजाना है फिर रफी जी के लिए बजाना है, दोनों नहीं गा रहे उनके लिए इंस्ट्रूमेंटल बजाना है, तो जब वो बजाने की कोशिश करेगा रफी जी का गाने वाला हिस्सा आएगा तो कौन सा ए बी सी डी ई में से कौन सा होल को ओपन छोड़ेगा बताओ, मोहम्मद रफी जी की आवाज की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है बांसुरी से, किसको बंद करेगा किसको खुला छोड़ेगा पांच होल में से, क्योंकि लेंथ जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, इसको खुला छोड़ेगा ई को तो पतला आवाज निकलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब पतला आवाज, तो लता जी के गाना गाने के लिए लता मंगेशकर की गाना गाने के लिए उसको ई वाला होल को फ्री छोड़ना पड़ेगा, रफी जी का गाना गाने के लिए उसको ए वाला होल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा। मैं सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, कोई केवीपीए के लिए करेगा कोई कुछ भी करेगा, तो क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। सो योर फ्लूट इज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड यू प्ले योर फिंगर्स ऑन द होल्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द एंटी नोड एंड दैट वे यू चेंज द ओवरऑल लेंथ एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में जो हम लोग डिस्कशन किए। अभी चलिए देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है? हियर इज ए पाइप लाइक दिस, बोथ एंड आर ओपन, देन बोथ एंड आर ओपन, ऑब्वियसली हियर विल बी एंटी नोड, हियर विल बी एंटी नोड, और आप जानते हो कि दो एंटी नोड के बीच में नोड होता है कहीं पर कहीं नोड बनने वाला है। तो पहला चीज तो देखे कि एंटी नोड्स आर फॉर्म बिटवीन और फॉर्म एट इच एंड ऑफ पाइप, क्योंकि यहां के पार्टिकल्स फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं तो एंटी नोड्स आर फॉर्म। अच्छा अब हुआ क्या है, हम अगर जानना चाहेंगे व्हाट इज द फंडामेंटल वेव, फंडामेंटल वेव किसको कहेंगे, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव है जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव कर सकता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव। आप थोड़ा ध्यान से देखो, दिमाग पर जोर डालो, ए बी सी डी ई ऐसे करके बहुत सारा हिस्सा को मैं यहां पर रखा हूं। आप जानते हो कि हियर आर द नोड्स फॉर्म,
हियर आर द एंटी नोड्स फॉर्म. सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव को जब रखेंगे उसका सबसे छोटा सा हिस्सा आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे भी एंटी नोड चाहिए, यहाँ पे भी एंटी नोड चाहिए, तो ए को तो नहीं रख सकते यहाँ पे, कौन रहेगा? बी. फिर कहाँ रहेगा? डी, ये वाला हिस्सा रहेगा. समझ में आया क्या? इसका मतलब जो वेव इसके अंदर अभी प्ले करने वाला है वो ऐसे दिखेगा, दी वेव विल बी लुकिंग लाइक दिस. इधर से रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे फंडामेंटल वेव कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये हो गया पाइप. व्हेन द फंडामेंटल वेव इज प्लेइंग यू कैन डिपिक्ट इट बाय द डायग्राम लाइक दिस. हाँ, ये कौन सा वेव चल रहा है? ये फंडामेंटल वेव चल रहा है. अगर लेंथ ऑफ दी पाइप एल है तो आप क्या बता सकते हो? व्हाट विल बी लैम्डा जीरो? ये कितना हिस्सा है? कितना हिस्सा था यहां से यहां तक? पूरा होता है लैम्डा, यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू. सो लैम्डा जीरो बाई टू इज एल और लैम्डा जीरो इज टू एल. समझ में आ रहा है? व्हाट विल बी एफ जीरो? एफ जीरो इज वी बाई लैम्डा जीरो. वी तो बराबर है तो हम कहेंगे इट इज वी बाई 2L. तो पता चला the fundamental frequency of a open organ pipe is V by 2L. इसका मतलब just like in case of closed pipe, open pipe के case में भी fundamental frequency depends upon length. अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा कोशिश करो और बताओ, हमारे पास एक open pipe है, एक closed pipe है, ठीक है, दोनों का length बराबर है, देखने में एक जैसा है, एक तो दोनों तरफ खुला है, एक दूसरा तरफ एक तरफ क्लोज है. मैं आपको बोलूंगा कि मैं इसमें फूंक मार के आवाज करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुन के बताओ कौन सा पाइप बजा. क्या आप बोल सकते हो? एक पाइप बजाया, दूसरा पाइप बजाया, एक में मोटा आवाज आया, एक में पतला आवाज आया. किसका मोटा आवाज होगा? ओपन पाइप की क्लोज पाइप. मोटा आवाज मतलब लो फ्रीक्वेंसी की हाई फ्रीक्वेंसी? लो फ्रीक्वेंसी. लो फ्रीक्वेंसी किसका होगा? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है. डिनोमिनेटर ज्यादा किसका केस में? आपका क्लोज पाइप में था V by 4L, जबकि अब है V by 2L. तो मतलब जो ओपन पाइप है उसमें फ्रीक्वेंसी लो मिलेगा, सॉरी हाई मिलेगा, वो पतला आवाज में बजेगा, जबकि जो क्लोज पाइप है उसका 4L होने के कारण उसका फ्रीक्वेंसी लो मिलेगा. मतलब अगर आप दो पाइप को बजाएंगे, जो मोटा आवाज में बजेगा दैट मस्ट बी द क्लोज पाइप, जो पतले आवाज में बजेगा दैट मस्ट बी द ओपन पाइप. ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे. समझ में आया? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें समझ में आ गया वी बाई टू एल. फंडामेंटल वेवलेंथ टू एल. क्या फंडामेंटल वेव? द वेव ऑफ बिगेस्ट वेवलेंथ दैट कैन फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव इन द पाइप. रिमेंबर ऑल दीज एक्सप्लेनेशन आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स. वो सीधा बोलते इतना होता है, इसको कहते हैं. क्यों कहते हैं मालूम नहीं है, ठीक है? तो आप सुन लोगे, समझ लोगे तो आपके काम में लगेगा ना. क्योंकि आपको ये सारा चीज समझ में आ चुका है तो आप मेरी मदद पक्का करोगे बताने में कि सॉफ्ट ओवर टोन के लिए हमें वेव का कौन सा हिस्सा को रखना पड़ेगा. मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, जी, ठीक है ना, और कहाँ छूट गया, ए बी सी, ये हो गया सी, ये डी है, ये ई है, एफ जी एच आई जे, ऐसे करके वेव का मैं डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करवा दिया. मेरे को फास्ट ओवर टोन देखना है. किसको कहते हैं फास्ट ओवर टोन? जिसका वेवलेंथ फंडामेंटल ओवर टोन से थोड़ा सा कम है. फंडामेंटल ओवर टोन का वेवलेंथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसे थोड़ा सा कम वेवलेंथ वाला वेव जो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव करेगा उसको फास्ट ओवर टोन कहेंगे. थोड़ा सा कम वेवलेंथ मतलब वेव का थोड़ा सा ज्यादा सा हिस्सा रहेगा. फंडामेंटल को कहां से कहां तक रखते थे? बी से कहां तक? डी तक. अब बताओ फास्ट ओवर टोन के लिए बी से कहां तक रखेंगे? बी से एफ, क्योंकि ये भी तो एंटी नोड बन रहा है. बी से एफ तक का हिस्सा रखेंगे और ये लेंथ कितना होगा? लैम्डा. कॉल इट लैम्डा 1. वे कैसे दिखेगा पाइप के अंदर? ओपन पाइप है, ओपन पाइप है, तो वे कैसा दिखेगा? अरे वेटिंग, वे ऐसा दिखेगा. और पाइप का लेंथ अगर एल है तो आप क्या कहोगे? फॉर द फास्ट ओवर टोन लैम्डा 1 कितना होगा? दैट इज सेम एज एल. समझ में आ रहा है क्या? बी से एफ तक ये रहेगा बी, ये रहेगा एफ,
दोनों तरफ एम्प्टी नोड रह गया। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवर कोर? v/v/ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? v/λ1। कैसे निकालेंगे? v/l। लेकिन फंडामेंटल ओवरटर्न क्या था? v/2l। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्वाइस ऑफ f0। कौन सा हार्मोनिक? सेकेंड हार्मोनिक। देखो इसमें सेकेंड हार्मोनिक आ गया, उसमें सीधा थर्ड हार्मोनिक आ रहा था। समझ में आ रहा क्या? सिमिलरली इफ यू गो फॉर द सेकेंड ओवरटोन, क्या आप मेरे को थोड़ा मदद कर सकते हो? देख के यही फिगर को देखो, बी रखे यहाँ पे क्योंकि हमें फंडामेंटल यहाँ पर एंटी नोड रखना था। बी से डी तक रखे तो फंडामेंटल वेव बना, एफ तक रखे तो फर्स्ट ओवरटोन बना, कहां तक रखेंगे तो सेकेंड ओवरटोन बनेगा। बी से कहां तक? एच तक बनेगा। यहां से यहां तक सेकेंड ओवरटोन बनने वाला है। तो सोचो सेकेंड ओवरटोन जब चल रहा होगा, मेडिकल एंट्रेंस वाले थोड़ा ध्यान दो, वो फिगर दे देते हैं, बोलते हैं देख के बताओ व्हिच ओवरटोन इज प्लेइंग, व्हिच ओवरटोन इज प्लेइंग, ऐसे करके पूछता है। बी से एच तक रखना है, रखो रखो, रख दिए, देखो यस दिस इज द सेकेंड ओवरटोन प्लेइंग। समझ में आया क्या? ये लेंथ हो गया एल। अच्छा फॉर द सेकेंड ओवरटोन बी से एच तक का जो लेंथ है, इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कहेंगे तो कितना होगा? यहां से यहां तक एक वेवलेंथ, यहां से यहां तक आधा वेवलेंथ, तो हम कहेंगे 3λ 2/2। नहीं, सो फॉर सेकेंड ओवरटोन आप क्या कहोगे? 3λ 2/2 इज इक्वल टू एल, और लैम्डा 2 इज 12/3। व्हाट इज f2? v/λ2, दैट इज 3v/2l, बट व्हाट इज v/2l? v/2l इज f0, सो दैट इज इक्वल टू 3f0, और थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया? तो इतनी सारा चीज देखने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे निकालेंगे हम nth ओवरटोन। क्या आप nth ओवरटोन की फॉर्मूला बना सकते हो? अभी सोचो तो, थर्ड फोर्थ गया है, फिफ्थ के लिए देखेंगे। पॉइंट नंबर फाइव में nth ओवरटोन, nth ओवरटोन लैम्डा एन क्या होगा, एफ एन क्या होगा? पहले एफ एन लिख देते हैं। एफ एन क्या होगा देखो, तो फर्स्ट ओवरटोन में 2f0, सेकेंड ओवरटोन में 3f0, थर्ड ओवरटोन में 4f0, तो एफ एन हो जाएगा n+1 × f0। और इसका वैल्यू क्या है? f0 का वैल्यू है v/2l, सो इट इज n+1 v/2l। अच्छा व्हाट इज लैम्डा एन? लैम्डा एन विल बी v/fn, तो ये हो जाएगा 2l/n+1। सो फॉर nth ओवरटोन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज वेवलेंथ एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज सॉरी ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए। समझ में आ गया? yes, अब सबसे मुश्किल सवाल आप लोगों के लिए, सोचो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये बात समझ में आ रहा था कि साउंड जा रहा है, टकरा के वापस आ रहा है। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ए ओपन ऑर्गन पाइप, है साउंड तो गया, गया तो निकल गया, फिर हम रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, स्टैंडिंग वेव बनना, ये सब कहानी क्यों बोल रहे? अभी तक तो किसी का दिमाग में आया नहीं, दोनों तरफ से खुला है, इधर से साउंड छोड़े, हम बोलते हैं इधर से रिफ्लेक्ट करके आता है, दोनों सुपरइम्पोज होते हैं, स्टैंडिंग वेव बनता है। अरे इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, तो वेव तो भागेगा, तो फिर ये क्या है? हम लोग क्या उल्टा पुल्टा पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लोग कोई नहीं पूछे, मैं सोच रहा था कि आपसे कोई पूछेगा, कोई तो पूछा नहीं, अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इन दिस केस। आई विल टेल ए न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एंड करेक्शन। What is that end correction? I'll explain. Very important, only for entrance school वाले नहीं पूछते हैं।
एंड करेक्शन इन पाइप्स, पाइप मतलब ऑर्गन पाइप्स। देखो क्या हो रहा है, ये मान लो कि कोई एक साउंड वेव है, ये गया यहां से टकराया वापस आया स्टैंडिंग वेव बना, ये एक पाइप है, क्लोज पाइप है, समझ में आया। अब सोचो कि ये वाला जो एंड है ओवर टाइट होगा, रिजिड होगा, और कोई बॉल को हम इसके अंदर फेंकेंगे, बॉल टकराएगा टकराएगा टकराएगा, यहां पे टकराएगा, तुरंत वापस आएगा और ऐसे ऐसे करके निकल के आ जाए। इफ यू थ्रो ए बॉल इनटू दिस, ये रिजिड एंड में टकराएगा और वापस आएगा। मान लो ये एंड रिजिड एंड नहीं है, सपोज ये एक रबर का स्क्रीन लगा हुआ है, ध्यान से देखो क्या होगा। अब हम बॉल को फेंकेंगे, फिर से बॉल जाएगा, आएगा ऐसे ऐसे आएगा, जब इसको टकराएगा एग्जैक्टली यहां से बॉल वापस नहीं आएगा, वो स्क्रीन को ढकेल के कुछ दूर तक ले जाएगा और बॉल यहां से वापस आएगा। रिपीटिंग, ये बॉल यहां से वापस आएगा क्योंकि फ्लेक्सिबल स्क्रीन है ना। एग्जैक्टली दैट वे वेर इट इज ए क्लोज एंड, साउंड रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट, बट वेर इट इज नॉट ए क्लोज एंड, इट इज एन ओपन एंड। क्या कहता है, हम बोले थे खुले में भी हम चिल्लाते हैं तो इको सुनाई देता है जब कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक साउंड वेव जाता है थ्रू कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, वो मीडियम को डेंस कर देता है जहां पर कंप्रेशन होता है, दूसरा साउंड वेव वहां से टकरा के वापस आ जाता है। यहां पर भी एयर कुछ हद तक कंप्रेस हो जाएगा, यहां का जो एयर मीडियम वो कुछ हद तक कंप्रेस हो जाएगा और ये साउंड वेव यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगे। मतलब कितना दूर जाएंगे एक्स्ट्रा बेकार से पहले, जितना भी दूर जाएंगे उसको हम कहेंगे एंड करेक्शन। सो एट द क्लोज एंड साउंड रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली फ्रॉम द क्लोज एंड, बट इन केस ऑफ ओपन एंड साउंड मूव्स स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक। दैट एक्स्ट्रा लेंथ मूव्ड बाय साउंड बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एंड करेक्शन। समझ में आया क्या चीजें? समझ में आया तो क्या लिखेंगे, साउंड रिफ्लेक्ट्स एग्जैक्टली फ्रॉम द क्लोज्ड एंड, बट इन केस और बट एट ओपन एंड ऑफ पाइप the air outside is compressed outside, but at open end of pipe the air outside gets compressed, so sound moves a small extra distance beyond the edge before reflection. This extra length is called end correction. E, end correction को E से लिखते हैं, कितना होता है वैल्यू, इट इज empirical formula 0.6 R, फिर R इज रेडियस ऑफ ट्यूब और पाइप, पाइप का रेडियस है। इसका मतलब हुआ हमारे पास अगर हम कहेंगे कि एक क्लोज्ड पाइप है जिसका लेंथ L है, रेडियस इसका R है, तो इफेक्टिव लेंथ हमें क्या लेना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ लेना चाहिए L प्लस 0.6 R। अगर हमारे पास एक ओपन पाइप है जिसका लेंथ L है और रेडियस R है, उस केस में उसका इफेक्टिव लेंथ क्या लेना चाहिए, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो इधर 0.6 R, इधर 0.6 R, तो हो जाएगा L प्लस 1.2 R। तो अभी तक हम जो
क्लोज पाइप ओपन पाइप वाला केस कर रहे थे जहां पर एल लिख रहे थे, इन केस ऑफ क्लोज पाइप हमें लिखना चाहिए एल प्लस 0.6 आर। ये कैसे हुआ? इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड, ठीक है, और इसका डिराइवेशन नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि इतना होता है। और इन केस ऑफ ओपन पाइप इफेक्टिव लेंथ क्या ले जाएंगे? एल प्लस 1.2 आर, क्योंकि इधर भी 0.6 आर बाहर जाएगा, इधर भी 0.6 आर बाहर जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे ही ई आएगा, जबकि यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंथ होता है एल प्लस ई, यहाँ पर होता है एल प्लस 2 ई। समझ में आया क्या? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एंड करेक्शन इन पाइप। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेटली चीजों को निकालना है तो यू हैव टू गो फॉर द एंड करेक्शन ऑफ पाइप। समझ में आ गया क्या? You may already be aware that a longer organ pipe, this is open on one end and also open on the other end, and this is where the air is introduced. Then there is a knife edge made out of wood that the stream of air goes through this hole against the knife edge, and then there's an instability when the air is incident on a knife edge. It will, this instability will cause a puff of air to come out outside of the pipe and then a puff of air to go inside the pipe, alternating outside and inside. And there's a particular frequency that's associated with this instability. And if that frequency matches the length of the pipe, then you'll get a resonance in the pipe, like that. If you move to a shorter pipe, it's built the same way, the length is shorter, you get a higher sound, and even shorter. You can, if you blow hard enough in here, force different modes to sound in the pipe. What we were hearing just then is the fundamental mode, the lowest possible frequency that this pipe will produce. But any pipe actually produces a sequence of frequencies that follow, at least approximately, the harmonic series. So this is the fundamental, the lowest possible frequency. If I blow a little harder, I get a mode that, for those of you that have a musical background, will recognize as approximately an octave above it. Do the same thing on this one. So we get a lower mode, a higher mode, and then there's actually an infinite sequence of these modes that goes up to infinity, and that gives the organ pipe its character, its characteristic sound. As I mentioned before, all of these pipes that I've shown you so far are open on both ends. If you ask what happens when you close one end, and I'm just going to put my hand across it to close this end, then, well, first I'll do it with it open, then close it. So you'll notice that the sound is lower. In fact, if you ignore end effects, then the theory predicts that the sound is actually one octave lower, the frequency being half of its original value. That is the reason why a clarinet sounds lower than a flute does. Flute and clarinet both have about the same length. The flute is open on both ends, but the clarinet, the mouthpiece end, is effectively closed. And so the lowest notes you can produce on a clarinet are much lower than the notes that you can produce on a flute. That's organ pipes.